हाई कोर्ट में पिटिशन ज़ेर समात थी, जिसमें सबसे पहले हमने कोर्ट को आगाह किया और कोर्ट को पहले से ये बात पता था कि इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन पूरे मुल्क में हो रही हैं, सिर्फ इस्लामाबाद तक लिमिटेड नहीं है। और उन्होंने पूछा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब है उनसे कि ये किस वजह से हो रही है, गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है, तो वो जवाब नहीं दे सके। इनफैक्ट उनका जवाब ये था कि मैं खुद इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करता, लिहाजा मुझे इस चीज़ का इतना इल्म नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया कि अगर खुद भी नहीं इस्तेमाल करते तो कोई चीज़ कॉमन नॉलेज होती है, और इंटरनेट की जो बंदिश है और रुकावटें हैं, स्लो डाउन है, वो पूरे मुल्क में एक्सपीरियंस हो रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने पीटीए से और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए हैं। मंडे को अगली डेट है, 26 अगस्त को। हमने रिक्वेस्ट की थी कि पीटीए चेयरमैन को सीधा पहले बुलाया जाए, क्योंकि पीटीए इस हवाले में बिल्कुल खामोश है और कोई वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रही कि इंटरनेट की स्लो डाउन किस वजह से हो रही है, लेकिन ये रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ हुआ था और कोई और रिप्रेजेंटेटिव पीटीए से पेश हो गए अदालत। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें तो पता ही नहीं है इंटरनेट स्लो है, और वो तो हल्फन कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, ना ही इंटरनेट स्लो है, और ये वीपीएन की वजह से। सबसे पहले तो कोई मिनिस्टर साहिबा से पूछ ले जिन्होंने इतनी इग्नोरेंट स्टेटमेंट दी है कि जी वीपीएन लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वो इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एक्स को बैन किया हुआ है, एप्लीकेशन व्हाट्सएप जैसी उनके मेजर फंक्शन काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात कि ये बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है ये कहना कि वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्पीड रिड्यूस हो रही है। एक तरफ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहते हैं कि जी हम फायरवॉल तो नहीं लेकिन कोई साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर मिस शज़ा फातिमा कहती है कि जी हम फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट ने जनवरी में कहा था कि हम वेब मॉनिटरिंग सिस्टम की अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो हुकूमत पहले इंटरनली खुद फैसला कर ले कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि वो लोगों को जब जवाब दें इतने स्टूपिड जवाब ना दें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। तो ये अनपॉपुलर डिसीजन ये कौन करवा रहा है हुकूमत से, जो पहले 5 मिलियन तक एक आईटी से आपकी वो हो रही थी, अब वो 3 मिलियन पे पहुंच गई है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि इकोनॉमी भी हमारे हाथ में है। पार्लियामेंट में हमारी हाई कोर्ट में पिटिशन ज़ेर समात थी, इसमें सबसे पहले हमने कोर्ट को आगाह किया और कोर्ट को पहले से ये बात पता था कि इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन पूरे मुल्क में हो रही है, सिर्फ इस्लामाबाद तक लिमिटेड नहीं है। और उन्होंने पूछा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब है उनसे कि ये किस वजह से हो रही है, गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है, तो वो जवाब नहीं दे सके। इनफैक्ट उनका जवाब ये था कि मैं खुद इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करता, लिहाजा मुझे इस चीज़ का इतना इल्म नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया कि अगर खुद भी नहीं इस्तेमाल करते तो कोई चीज़ कॉमन नॉलेज होती है, और इंटरनेट की जो बंदिश है और रुकावटें हैं, स्लो डाउन है, वो पूरे मुल्क में एक्सपीरियंस हो रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने पीटीए से और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए हैं। मंडे को अगली डेट है, 26 अगस्त को। हमने रिक्वेस्ट की थी कि पीटीए चेयरमैन को सीधा पहले बुलाया जाए, क्योंकि पीटीए इस हवाले में बिल्कुल खामोश है और कोई वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रही कि इंटरनेट की स्लो डाउन किस वजह से हो रही है, लेकिन ये रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ हुआ था और कोई और रिप्रेजेंटेटिव पीटीए से पेश हो गए अदालत। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें तो पता ही नहीं है इंटरनेट स्लो है, और वो तो हल्फन कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, ना ही इंटरनेट स्लो है, और ये वीपीएन की वजह से। सबसे पहले तो कोई मिनिस्टर साहिबा से पूछ ले जिन्होंने इतनी इग्नोरेंट स्टेटमेंट दी है कि जी वीपीएन लोग पाकिस्तान में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वो इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एक्स को बैन किया हुआ है, एप्लीकेशन व्हाट्सएप जैसी उनके मेजर फंक्शन काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात कि ये बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है ये कहना कि वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्पीड रिड्यूस हो रही है। एक तरफ पे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कहते हैं कि जी हम फायरवॉल तो नहीं लेकिन कोई साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर मिस शज़ा फातिमा कहती है कि जी हम फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट ने जनवरी में कहा था कि हम वेब मॉनिटरिंग सिस्टम की अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो हुकूमत पहले इंटरनली खुद फैसला कर ले कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि वो लोगों को जब जवाब दें इतने स्टूपिड जवाब ना दें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। सदाम तरीन साहब हमारे दोस्त हैं, बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई निडर दलेर नौजवान साथी है। 9 मई के बाद इन्होंने बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में हमारा काफ़ी साथ दिया, कन्वेंशन किए, जेल भुगती, यहाँ इस्लामाबाद में भी गिरफ्तार हुआ। बलूचिस्तान के लोगों के लिए इनके तवज्जो से और इस मीडिया के तवज्जो से पैगाम है कि 22 अगस्त को जलसा है इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पर, और अब इस जलसे में आवाम की जितनी
इकट्ठ होगी, जितनी तादाद होगी, जितना बड़ा मजमा होगा, वही तायुन करेगा कि क्या पाकिस्तानी कौम जो है आने वाले दिनों में एक इनकलाब की तरफ, एक ऐसी जदोजहद की तरफ गामजन हो सकती हैं जो मुल्क में कानून की हुकमरानी, खान की रिहाई और मैंडेट की रिकवरी पे मंतज हो। बलूचिस्तान के लोगों से इस्तेदा है, मुल्क के हर कोने के लोगों के लिए हमने पैगाम दिए हैं। बलूचिस्तान में आबाद जो दो मेजर कबाइल हैं, पश्तून और बलोच, और साथ में जो अजारा हैं, इन सब को मैं इस्तेदा करता हूँ कि आएँ, निकलें। आपका रास्ता वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा से पड़ता है, और अगर आप 21 अगस्त को निकल जाएं तो 22 को आप लोग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान के काफिले में शामिल हो सकते हैं। जितनी बारी तादाद में हर ज़िले से बलूचिस्तान से लोग निकलेंगे, वो हमारे जलसे में तादाद की लिहाज से इसको बड़ा करने का बाइस बनेगा। आइए हमें सरखरू करें अपने आप को, खान को, पाकिस्तान को, और जमहूरियत और आईन की बालादस्ती का साथ दीजिएगा। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। मरवत साहब का मैं खसूसी मशकूर हूँ कि जब भी यहाँ या बलूचिस्तान में हमें किसी हवाले से इनकी ज़रूरत पेश आई है तो इन्होंने हमारा साथ दिया है। हम सिर्फ बलूचिस्तान वालों से इतना कहना चाहते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी इस वक्त कितनी मुश्किल है, ये जो मौजूदा नस्ल है इनके ऊपर क्या हालात गुजर रहे हैं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम इस हालात को बेहतर करें या इस मुल्क में जो फस्ताइयत है, जो लाकानूनियत है, उसका खात्मा करें, तो उसके लिए आप लोगों के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम आप सबसे अपील करते हैं कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाले नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, मुजाहमती जो तहरीक है जिसकी ज़िम्मेदारी शेरअफजल मरवत साहब को दी गई है, तो आप इसमें भरपूर किरदार अदा करें ताकि आपके मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम की जाए और इस मुल्क की जो असल तर्जुमानी करते हैं जनाब इमरान खान, उनकी रिहाई को मुमकिन करके अपने मुल्क को दोबारा तरक्की की तरफ गामजन करें। जंग से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान लीडर उमर फारूक गुजर साहब तशरीफ लाए हैं, मेरी इनसे दूसरी मुलाकात है। जान पहचान इतनी ख़ास नहीं रही है, लेकिन ये एक इंतहाई मजबूत तवाना आवाज़ हैं, हमेशा मजलूमों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतासरीन के साथ। उस दौर में इन्होंने गूंजदार आवाज़ उठाई जिस वक़्त सारे लोग बिलों में छुप रहे थे, और इनकी जुर्रत और दलेरी की वजह से मैं हमेशा इस शख्स का एक फैन रहा हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात हुई, और ये भी उन सिपाहियों में शामिल था जिन्होंने मेरे कड़े वक्त में अल्लाह की रजा के लिए बग़ैर किसी ताल्लुक के हक और इंसाफ का साथ दिया और मेरे लिए आवाज़ उठाई। मैं आज इस मौके के तवसुत से जंग के अवाम को ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने 8 फरवरी को खान पर एतमाद किया, आज 22 अगस्त का जलसा जो है ये हमारा एक इम्तिहान है और पूरे मुल्क का इम्तिहान है। अगर इसमें हम कामयाब और सुरखरू होते हैं और लाखों की तादाद में लोगों को ले आते हैं तो तमाम की जबानें बंद हो जाएगी और ये तस्लीम किया जाएगा कि पूरी कौम पाकिस्तान की वो खान के साथ, पाकिस्तान के मजलूमों के साथ, PTI के साथ खड़ी है, और मुल्क में एक रोशन मुस्तकबिल और खुशहाली के लिए खान के उस काज का साथ दे रही हैं जो हकीकी आज़ादी, कानून की बालादस्ती और पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती का ख्वाब है। तो आइए 22 अगस्त को हमारा साथ दीजिए, हर हालत में पहुंचिए, जो पहुंचेंगे वो यकीनन हमारी दाद के मुस्तहिक होंगे, और इंशाल्लाह जंग के लोग वैसे ही तारीखी तौर पे जुर्रत और शुजात के पे कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जंग आएगा और हमारे पिंडाल में जंग के बैनर्स और जंग से जो आवाज़ें होंगी वो सबसे ज़्यादा मौसर होगी।